सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बीजेपी के 370 पार का दिया नारा, लेकिन पीएम मोदी पर भी साधा जबरदस्त निशाना। बीजेपी की करने लगे वाहवाही, लेकिन मोदी पर भड़ास निकाल दी सारी। पीएम नरेंद्र मोदी से सुब्रमण्यम स्वामी को क्या है परेशानी? सुब्रमण्यम स्वामी कहने को तो बीजेपी नेता है, और आज से नहीं बल्कि कई दशकों से, लेकिन पिछले कुछ साल से वो जैसे बीजेपी में रहकर भी बीजेपी के रहे ही नहीं। बीजेपी की खामियों को गिना रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के लिए उलझुलूल बातें बोल रहे हैं, और एक समय में तो अपने शब्दों के बाढ़ से जैसे वो हर पराकाष्ठा को पार करने लगे थे, और उनके बारे में तो कई विवादित शब्दों का भी इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन पार्टी उनकी इन सब बातों को सहन करती चली जा रही है। बीजेपी ने सुब्रमण्यम स्वामी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, और अब जब 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो जैसे सुब्रमण्यम स्वामी का बीजेपी से मोह फिर एक बार जाग उठा है, बीजेपी के लिए फिर एक बार अच्छी बातें बोलने लगे हैं। तो क्या मान ले कि फिर एक बार सुब्रमण्यम स्वामी घर लौट कर आ रहे हैं? लेकिन इस सब के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी नफरत कम नहीं हो रही। पीएम मोदी के लिए अपनी भाषा को उन्होंने मर्यादित नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा तो कर दिया है, लेकिन पीएम मोदी के किसी भी तरह के जादू से साफ इनकार किया है। जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि हिंदू गौरव बढ़ने से आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी को फायदा मिल सकता है, लेकिन मोदी का जादू चलने की संभावना से इनकार कर दिया है। एक विधि सम्मेलन में शामिल हुए स्वामी ने कहा, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति के बजाय संगठन और सिद्धांत को अहमियत देते हैं। फिर बीजेपी के 370 और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 400 से ज्यादा सीटें जीतने के प्रधानमंत्री के दावे को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में स्वामी ने साफ साफ कहा, मेरा मानना है कि भाजपा अपने पिछले चुनावी प्रदर्शन को पछाड़ देगी, क्योंकि पहली बार हिंदू अपनी पहचान पर गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्हें अब वो संकोच महसूस नहीं होता जो नेहरू के समय में उन पर थोपा गया था। इसके बाद फिर पीएम मोदी पर हमलावर होते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा, कुछ लोग सोचते हैं कि बदलाव उनकी वजह से हुआ है, हमें ऐसी चीजों को महत्व देने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मोदी का जादू जैसा कुछ है। भाजपा आरएसएस में व्यक्तियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, ये कांग्रेस की संस्कृति रही है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बात की। उन्होंने कहा, जेडीयू अध्यक्ष को इधर उधर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि यही उनके हित में होगा, वो हमेशा हमारे थे। मुझे अब भी समझ नहीं आया कि उन्होंने हमें क्यों छोड़ दिया। वो बुद्धिमान और विद्वान हैं, और उन्हें समझना चाहिए कि वो हिंदू भावनाओं के खिलाफ जाने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए उन्हें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि वो कभी भी भाजपा से अलग नहीं होंगे। मतलब सुब्रमण्यम स्वामी का अपनी पार्टी से प्रेम तो बरकरार है, परेशानी है तो मोदी से। वो मोदी जिनकी पूरी दुनिया कायल हुई जा रही है, जिनके कदमों में जैसे पूरी दुनिया आ गई है, जिन्होंने भारत को विश्वगुरु बनाने की तरफ बहुत से कदम बढ़ा दिए हैं। हाँ, माना कि इसमें योगदान तो पूरी पार्टी का होता है और हर देशवासी का भी इसमें योगदान है, लेकिन जिसके नेतृत्व में ये सब काम हो रहे हैं उन्हें ही सुब्रमण्यम स्वामी दरकिनार करते रहे हैं और मोदी के जादू से साफ इनकार कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में बिना मोदी के जादू के बीजेपी 370 के आंकड़े को पार कर सकती है? क्या पीएम मोदी को देखकर ही हिंदुओं की अपने धर्म के प्रति जागृति नहीं हुई है? अपने धर्म से प्यार क्या हिंदुत्व को आगे लेकर जाने वाले पीएम मोदी की वजह से नहीं हुआ है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।